सभी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। तो कृपया आप सब मंच पर अपना स्थान लें और आप सब जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ तालियों के साथ वीरेंद्र भाई जी का स्वागत करें। इसके साथ साथ हमारे बीच में संस्था की तरफ से मनविंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो इस विषय पर अपने विचार रखेंगे, हम सबके साथ ज्ञान साझा करेंगे, हमारे ज्ञान बढ़ाएंगे। और हमारी आदरणीय रेणुमुखी जी जो महिला जागृति संघ की अध्यक्ष हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी मंच पर अपना स्थान लें। डॉक्टर मीना ठाकुर जी जो उपाध्यक्ष हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान लें। हमारी मंत्री संस्था की मंत्री मनु कुमार जी से भी निवेदन है कि वो भी कृपया आए और मंच पर अपना स्थान लें। हमारे निगम पार्षद भाई अमित सब्रवाल जी, आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान लें। 119 नंबर वार्ड से आप हमारे निगम पार्षद हैं, बिना नगर वार्ड से, और बहुत ही अच्छे समाज सेवा के कार्यों में आप जुड़े रहते हैं डॉक्टर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन में। तो आपका भी मंच पर कार्यों के साथ स्वागत। और हमारी महेंद्रश्री ममतानी जी, आप भी हमारे 118 नंबर वार्ड से निगम पार्षद हैं, जी जान से आप भी की सेवा में समाज सेवा में जुटी हुई है, तो आपका भी हम मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया और आप सबका भी, आप सब भी जो जनकपुरी के हमारे मौजूद हमारे आदरणीय हमारे वरिष्ठ हमारे कनिष्ठ हमारे कर्तव्यनिष्ठ हमारी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग आप सभी का भी महिला जागृति संघ की ओर से, मंदिर के प्रांगण की ओर से और अपनी ओर से भी हम आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम की शोभा, क्योंकि श्रोता गणों से ही होती है, तो आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी महिला जागृति संघ की अध्यक्षा श्रीमती प्रेम मुखी जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो शॉल भेंट करके हमारे वीरेंद्र भाई जी का स्वागत करें। और आप तालियों के साथ सहयोग करेंगे स्वागत में। अब मैं हमारे जिले के मंत्री चावड़ा जी यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो माला भेंट करके वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। और हमारे मंडल के महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी हमारे मंडल मंडलों के अध्यक्ष आए हैं, तो कृपया आगे आ जाए अगर बाहर बड़ी आवाज सुन रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी हमारे 118 नंबर वार्ड के आप महामंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि आप मनविंदर सिंह जी का माला भेंट करके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज का कार्यक्रम जो हमने आयोजित किया है महिला जागृति संघ की तरफ से, उसमें विशेष रूप से स्वदेशी चिकित्सा पर और जो अपने साधन हमारे घरों में जो हमारी मंदिर की प्रधान आदरणीय बहन प्रमला चड्डा जी से भी मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान से प्रमला चड्डा जी।
मंदिर के सेक्रेटरी श्री बी आर शर्मा जी भी यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आ जाए। तो जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो कार्यक्रम है विशेष वो स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर, और अपने स्वदेशी का अर्थ तो हमारे घर में भी साधन उपलब्ध है, एक तो स्वदेशी का अर्थ थोड़े रूप में हम लेते हैं और एक हमारे घरों में जो साधन उपलब्ध है उनके आधार से हम कैसे खान पान में परिवर्तन करके युक्ति युक्त अपना जीवन जीकर हम उसमें अपने स्वास्थ्य को भी उत्तम बना सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की भी हम सहायता कर सकते हैं। और इसीलिए विशेष फोकस हमारी आदरणीय बहन रेणुकी जी का महिलाओं के ऊपर यहाँ फोकस था कि माताएं बहनें इस कार्यक्रम में आए क्योंकि वो परिवार की भूमि है और वो जो ज्ञान यहाँ लेकर जाएंगी तो उस ज्ञान से पूरे परिवार को लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि शायद कलम पेंसिल भी लेकर आई होगी ताकि कुछ ना कुछ आप नोट भी करिएगा जो यहाँ से लेकर जाए, नहीं तो ये होता है कि कुछ दिन बाद वो चीजें विस्मृत हो जाएंगी। तो इसी कड़ी में मैं अब हमारे आदरणीय वरेंद्र भाई जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि वो जो एक सामान्य ज्ञान के विषय में बीमारियों की वजह क्या है, क्यों हम बीमार होते हैं, तो वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। वही
मुंबई की चौपाटी पर बिना पायलट का विमान हमारे देश के एक वैज्ञानिक ने उड़ाया तो आप लोग शायद विश्वास ना करें, और ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हमारे देश से वो पद्धति चुरा कर अमेरिका वगैरह से अपने नाम से किया। तो आप लोग, ये थोड़ा सा उदाहरण है कि हमारा देश कितना उन्नत रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, शिक्षा के हिसाब से। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज लोग बहुत बीमार पड़ने लगे। श्रवण कुमार, आज का श्रवण कुमार माता पिता की हत्या करने से भी जुड़ता, कहते हैं कलयुग आ गया, कभी तो 7 साल पहले नहीं था, कभी तो ऐसा नहीं होता था। 15-20 साल पहले से ऐसा क्या हो गया, 20-25 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज भाई भाई की हत्या करने से नहीं जुड़ता, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, माता पिता की हत्या के बच्चे करने से नहीं जुड़ते, कहीं भी हमारे माता पिता सुरक्षित नहीं, ऐसा क्या हो गया? क्या कलयुग पहले नहीं था? हजारों सालों से महाभारत के समय से कलयुग नहीं था? हाँ, लेकिन क्या हुआ पिछले 20-25-30 साल में कि हमारे घर में ये जो पूरी पद्धति आ गई जो हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं खराबियां हैं। उसी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारा जो शरीर है और शरीर में जो तत्व है, कुछ भी हम बनते हैं वो भोजन और पानी से ही बनते हैं। भोजन और पानी के अलावा हमारा शरीर किसी चीज से नहीं बना। लेकिन हम ना उदाहरण तो आपको खीर बनाते हैं, खीर, और खीर बनती किससे? चावल से, दूध से और मीठे से, बस। अब आप उसमें लहसुन नहीं डालते, आप प्याज डाल रहे हैं उसमें, आप मिर्च डाल रहे हैं, आप बाकी सब चीजें डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं, क्या वो खीर बनेगी? उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भोजन और केवल पानी का बना है। तो जिस भोजन की और जिस तरह के पानी की हमें जरूरत है, वही अगर हम अपने शरीर में डालें तो एक स्वस्थ शरीर बनेगा, मतलब अच्छी खीर बनेगी। बस अगर ये बात हम समझ लें तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता जा रहा है। और वो अन्न कैसा है मैं आपको आने वाले 1-2 घंटे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने ये जाना कि आपको ये चिकित्सा के बारे में पता कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोग, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए, हम तो पूरे देश में घूमते हैं, देखते हैं छोटे छोटे जो शहर हैं, रेवाड़ी, अलीगढ़, हिसार, सिरसा, जी लाइन से एक खुदी खुदी 2-3 किलोमीटर की रोड ऐसी होती है जहाँ पर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल होते हैं। और लोग बहुत गर्व से बताते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो हम तो बोलते हैं कि गर्व करने के लिए शर्म करने की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन सभी की दुकान चल रही है, उन सभी का अच्छा धंधा चल रहा है, मतलब लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन उस बीमार पड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको दिन का महीने का जिनका 20 रुपये भी नहीं नसीब होता, ये हमारी सरकार की वोट देती है। अर्जुन सिंह गुप्ता की वोट के अनुसार 2002 में सर्वे करवाया गया भारतीय सरकार के द्वारा, उसमें हमारे देश में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन का 20 रुपये भी नसीब नहीं होता, ये सरकार की रिपोर्ट है। और अगर आप उसमें और कैटेगराइज करते जाएं तो आपको तो ऐसे भी लोग मिलेंगे 2-3 करोड़ लोग जिनको 50 पैसे भी जिनको नहीं होते, शरीर में एक मीटर कपड़े के लिए भी उनको बदल बदल के अगर बाहर निकलना है तो बदल बदल कर पहनना पड़ता है, एक साथ वो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि एक के पास कपड़ा है दूसरे के पास है ही नहीं। ऐसा हमारा देश, उसमें कहाँ से सबको चिकित्सा पूरी पड़ेगी? तो हमारा ये प्रयास है कि निःशुल्क चिकित्सा हम करें, आप लोग अपने डॉक्टर अपने चिकित्सक स्वयं बने तो भी आपके रास्ता मिलेगा। और आपको ये जानकारी देना चाहते हैं वो यही है कि जो मरीज होता है वो अपना सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी तकलीफ का, अपनी बीमारी का डॉक्टर से कहीं ज्यादा अच्छे से ज्ञान होता है, दर्द का एहसास होता है, और डॉक्टर भी आपसे पूछ कर ही आपको इलाज बताता है, बिना पूछे तो आपको भी वो डायग्नोस नहीं करता। तो अगर वो सिम्टम्स आप भी जान लें, वो गलतियां जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वो बीमारियां बढ़ रही हैं, आप भी अगर जान लें तो आप भी इन सब बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि आपके जो घर में, हम आपको कहीं योग कराने नहीं भेजेंगे, हम आपको पार्क में वॉक कराने नहीं भेजेंगे, आप करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम वो नहीं करवाते। वो बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सब, लेकिन हम आपको वो करते हैं जो आपके घर में, हमारा सिर्फ इतनी कोशिश है।
कुछ चीजें हम आपसे कहेंगे कि आप घर में लेकर आए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको कहेंगे आप घर से देख लें, और कुछ चीजें हैं जो नियम है जो आप अपनाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। तो आज हम कहेंगे कि बीमारियां कितने प्रकार की होती है, हम क्यों बीमार होते हैं। देखिए, ये जो आज मॉडर्न पद्धति है ये इस बात को नहीं मानती कि हमारा जो शरीर है वो तीन दोषों से बना है। तीन दोष बात और दवा, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि वात पित्त कफ हमारे देश हमारे शरीर में ऐसे दोष हैं जो जरूरी भी हैं, चाहिए भी, लेकिन अगर बढ़ जाए तो वो उसी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो कफ जो होता है वो यहाँ से लेकर आपके सर से लेकर आपके यहाँ तक बनता है, जो बर्तन आप खांसते हैं बर्तन निकलता है वो कफ हो गया। आपके यहाँ से जो हृदय के स्थान से लेकर आपकी नाभि तक वो होता है पित्त। तो पित्त आपका अगर बढ़ेगा तो पित्त से रिलेटेड बीमारियां होंगी, और जो नाभि से नीचे का जो स्थान है वो पूरा वायु का वात का स्थान है। तो अगर आपको ये तीनों दोष अगर आपने सम रखे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी से गलतियां कर करते हैं, अगर हमारी बात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कम प्रकृति है, हम उसी को बिगाड़ने वाला खाना खाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। अगर हमारे बाप के रोग हैं तो सबसे ज्यादा बाप के रोग हैं दुनिया, जो हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, दमा, ये सब के सब जो रोग हैं सब बाप के रोग हैं, जो खतरनाक खतरनाक जितनी बीमारियां हैं सबसे ज्यादा। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने वाला ही खाना खा रहे हैं, जैसे तेल रिफाइंड का खा रहे हैं वो बात बिगाड़ता है, और डॉक्टर ने बोलता है कि रिफाइंड ही भाई हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो आप बात बिगड़ेगा तो आपको हार्ट अटैक कोई रोक नहीं सकता। और आज की जो पद्धति है हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते। आपको मैं बात शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एलोपैथी या किसी और पद्धति के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी परेशानी या हमारे आंदोलन की परेशानी सिर्फ इतनी है कि हम छूटते ही बीमार होते ही एलोपैथी की तरफ भागते हैं, वो खतरनाक चीज है। आप घर में आयुर्वेद होम्योपैथी इसका सहारा लीजिए, अगर आपकी उससे भी इलाज नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर एलोपैथी को आप अपनाइए। उसमें कोई परेशानी नहीं, उसका हम भी आपको समर्थन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी जानें। वो बहुत आसान है, जो बहुत तो मैंने देखा है जो टेंट लगा के रहते होते हैं आयुर्वेद दवा खाना और जो होम्योपैथी है, इन्होंने इसका बहुत नाम खराब किया है। क्योंकि लोगों को अगर आयुर्वेद का नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि यही आयुर्वेद है, जब मीठी मीठी गोलियों में वो दवाई तत्काल दे देना वही होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी नहीं है, असली होम्योपैथी नहीं है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हमारी जो सरकार है उसके अनुसार मैं उसकी रिपोर्ट के साथ लेकर आया, उसमें ये बताया गया कि हमारे देश में जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई, जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई उनसे रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हमारे देश में सिर्फ दो बीमारियों के नाम रूपा में लगभग 5 से 8 करोड़ लोग तो भारत सरकार ने जब हमने रिपोर्ट मांगी कि भारत सरकार भी हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, तो बड़ी खतरनाक एक रिपोर्ट सामने आई, जो वो सेंसस करवाते हैं हर 10 साल में। तो 2002 की रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो हमारे देश में लगभग 5 से 8 करोड़ लोग जो है वो डायबिटीज के मरीज, उससे 3 से 8 करोड़ लोगों को सांस की कोई ना कोई बीमारी है। तो ऐसे करते करते तो बहुत लंबा चौड़ा सा हमारा रिपोर्ट भेजा, तो भाई आतिफ किशन जी ने इस बात में बहुत रिसर्च की और हमें बताया, और मैं उन्हीं की बातें आपको बताने आया हूँ कि जो सारा श्रेय जो भी जानकारी आपको मिल रही है कि भाई आतिफ किशन जी के कारण ही हमें मिल पा रही है, उसके आगे हम रिसर्च कर पाए हैं कि आपको जो आज पद्धति है दो तरह की बीमारियां आपको होती हैं। एक तो वो जो किसी बैक्टीरिया के कारण होती है, किसी पैथोजन के कारण, किसी फंगस वायरस किसी के कारण होती है, जैसे कि जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब बीमारियां उसकी आप टेस्टिंग कराएंगे आपको पता चल जाएगा, कारण भी पता चल जाएगा ये इसके कारण हुई वो उसके कारण हुई, उसके दवा भी सिद्ध कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरह की बीमारी होती है जिसके कारणों का पता नहीं लग पाता, जो किसी हमारे जीवन शैली के कारण होती है, हमारे खान पान के कारण होती है, लेकिन उसके कारणों का पता नहीं लगता, उसकी दवाइयाँ दूषित नहीं की गई, और जो दवाइयाँ की भी गई हैं वो ऐसी हैं
आपको चिटागन रेट में वो दवाई खानी पड़ती है। तो हम ये पूछते हैं कि अगर चिटागन रेट में तक दवाई खानी है तो डॉक्टर किस काम की दवाई? आप कभी डॉक्टर से जाकर नहीं पूछते कि भाई मुझे ये दवाई, क्योंकि दवाई का एक डेफिनेशन आप आपको सिंपल से बताऊं तो यही है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ दिनों तक खाई गई थी औषधि। लेकिन आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम 15-15-20-20 घोटे लोग खा रहे हैं, और डॉक्टर से अगर आप पूछे कि डॉक्टर साहब कब तक खानी पड़ेगी, डॉक्टर कहता है कि जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और वो जो दवाइयाँ हैं वो चिता पर देखने तक आप खाते हैं लेकिन सब कुछ इलाज नहीं। तो हम लोगों ने ऐसी कई बीमारियों का इलाज और सब कारण आपको बताने का ध्यान है, इनका कारण बताएंगे, जैसे अर्थराइटिस, हार्ट की ब्लॉकेज। आज हमने एक एक सेल को निकालकर वैज्ञानिकों ने चेक कर दिया कि किससे ये बीमारी होती है अर्थराइटिस घुटनों का दर्द, आज तक कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो घुटने थे वो उनको दुनिया के सबसे बेहतरीन घुटने उनको लगाए गए, सबसे बेहतरीन डॉक्टर बुलाया गया। लेकिन अटल बिहारी जी के शब्दों में हम कहें वो कहते हैं कि घुटने नकली घुटने लगाने से पहले मैं बेहतर स्थिति में था, अब नकली घुटने लगाने के बाद तो मैं उतना भी नहीं कर पाता जितना मैं पहले कर पाता। तो मतलब ये कि दुनिया के हमारे प्रधानमंत्री थे उनको भी पूरा इलाज नहीं कर पाई पद्धति, हमने उसका पता लगाया कि सब क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम में डॉक्टर सबसे बढ़िया एक जो काम करते हैं वो पूरे करते हैं जो मैकेनिक करता है। मैकेनिक क्या करता है? आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हुई, यूट्रस काट के बात हो, आपकी पिछली थैली में पत्ती हुई कि पिछली थैली की बात हो, उस हाथ में हो गया हाथ पास हो, पहले गले में कुछ हो जाए तो गला में काट दो। तो आप उन्होंने सिर्फ कोई बताया कि उनके पास इलाज की चीज का नहीं, लेकिन वो किस चीज को बता दो, उस चीज को बता दो, भगवान की किस लिए है अगर ये हराने के लिए किस लिए। तो आप हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने कहा आप रिफाइंड तेल खाइए, वही हार्ट भी अच्छा आपने रिफाइंड तेल प्रयोग किया, लेकिन जो आपकी बॉडी में जिस कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हुई उसको छुआ कर, ब्लॉकेज किस कारण से हो तो छुआ कर, आपकी ब्लॉकेज हो गई उसके बाद आपके नसों में दोबारा डाल के खुला देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे, तो आपका जो बहाव है रुकावट है एकदम से चलना शुरू हो जाएगा, आपको डॉक्टर भगवान
तो फिर से आपको हार्ट अटैक आएगा, तो आप बच ही नहीं सकते। तो आपका सिर्फ वो चीज सप्रेस की जा रही है, आपकी ठीक नहीं की जा रही है। आप समझे, किसी को अगर बात समझ में आए तो बताइएगा। ये हमारी पद्धति है जो अपनाई जा रही है। तो हम आपको बताने के लिए आए, आप सभी लोग केवल और केवल एलोपैथी के भरोसे अपनी चिकित्सा नहीं कर सकते। तो आज मैं जो शुरुआत करूंगा आपको बताने की, वो सिर्फ दो चीजों पर कॉन्सेंट्रेटेड होगी। जो शुरू के एक घंटे में मैं आपको बताऊंगा वो होगा सिर्फ भोजन और पानी, जो आपके आरोग्य के सबसे बड़े दुश्मन है। आपके लिए पानी और भोजन आरोग्य के सबसे बड़े दुश्मन कैसे हो? आपका जो भोजन है उसको आपने ठीक से नहीं खाया, अगर नहीं बचाया तो आपका दुश्मन नहीं है। पानी अगर आपने ठीक सही तरीके से नहीं पिया तो आपका दुश्मन ही है। तो आपको जो भोजन करना है वो क्या उसके नियम है, तो इस नियम को मैं भोजन भरे तरीके से आपको नहीं बताना चाहता। मैं आपको ऐसे नहीं बताना चाहता कि आप लिख लीजिए एक करके, अब ये नहीं खाना और वो नहीं खाना। तो बहुत लोग आप सब कर चुके पर आप लोगों ने सुन भी चुका है, लेकिन आप लोग शायद मानते नहीं या आप लोगों की गंभीरता समझते नहीं आती। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उसे सुनिएगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपकी जगह बैठ के देख चुका हूँ कि अगर वक्ता कुछ इस तरह का सर भाषण देने पर आता है, मैं आपको भाषण देने नहीं आया, ना आपको कोई ज्ञान देने आया हूँ, बस कुछ बातें आपसे पहले बता रही हूँ। तो आपको मैं कुछ बताने आया हूँ, बस आपसे वार्ता करने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया। तो इस प्रयोजन से कब बैठेगा मेरी बात सुनने कि ये लोग आ गया, चलो आज दो तीन घंटे और लग जाते हैं, उस मानसिकता से बता रही। क्योंकि ये मैं आप लोगों को करके देख चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने हम करके देख चुके हैं, बहुत ही सफलतापूर्वक इसमें हमें रिजल्ट मिले हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं गंभीर से गंभीर बीमारियों में। उसके लिए ना मैं आपको कोई दवाई बताने आया हूँ, ना मैं आपको कोई डॉक्टर की लाइन में बैठाने के लिए आया हूँ, मैं केवल और केवल आपको डॉक्टर बनाने आया हूँ, आपको चिकित्सक बनाने आया हूँ, किसी और के ना से नहीं, आपके अपने। तो उसकी शुरुआत करते हुए तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया बहुत छोटा सा, कि हमें जब घर में शादी का कार्ड आता है तो सबसे पहले नजर जाती है भोजन का। मैंने तो भोजन का बड़ा शौक होता है सबको, तो उसमें मैंने एनालाइज किया कि हम कम से कम 10 से 12 नियम तोड़ते हैं एकदम शादी का भोजन करते हैं, समाज शादी समारोह का जो भोजन करते हैं। आपको उसकी मैं गंभीरता बताऊं तो हमारा शरीर एक महीना लगाता है उस डैमेज से रिकवर करने में, जो हम एक दिन के शादी के भोजन को खाने में अपने शरीर का करते हैं। क्या कि आज हमारे जो शादी की जो पद्धति है वो पद्धति है शिव पार्वती के विवाह के हिसाब से, जो हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन आज कहीं भी शिव पार्वती के विवाह के अनुसार कोई भी शादी की जो पद्धतियाँ हैं या आतिथ्य है, जो अतिथि देव भोपाल की हमारे यहाँ पर धारणा है, वो उसमें कहीं भी वो फिट नहीं करती। कैसे? पहली चीज आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर आज जितने भी शुभ काम है, जितने भी शुभ काम ज्यादातर वो रात में होना शुरू हो गए, चाहे वो जन्मदिन मनाना हो, चाहे वो विवाह करना हो, चाहे पोषण समारोह हो, वो रात में ही आप करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था और मुझे हमारे अमेरिकन जो क्लाइंट्स थे, बॉसेस थे, वो यही बोलते थे दैट यू डोंट सीम टू हैव अ नाइट लाइफ। वो चिढ़ाते हैं ना कि आपके यहाँ रात की कोई जिंदगी नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि हमें निशाचरी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि निशाचरी जीवन जो है वो जानवरों का हुआ है। हम इंसान जो है, हम सब बुद्धि वाले लोग, हमें रात के जीवन की कोई जरूरत नहीं। हमारे जो देश में ग्राम थे उसमें सुबह सुबह 4 बजे लोग उठा करते थे, जितने बजे आप अमेरिका में लोग सोकर उठते सोते हैं, माफ कीजिएगा, रात के 3-4 बजे तक। अब तो यहाँ भारत में भी होने लगा कि रात के 3 बजे तक 4 बजे तक बच्चे गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने प्राइवेसी के नाम पे हर कमरा दिया हुआ है। तो 2-3 बजे तक गेम खेलते सोएंगे, जब हमारे पूर्वज गाँव में सोकर उठते थे उस समय वो सोते। और
रात के समय वो सब जगते हैं, जब रात में जल्दी सोने का हमारे था अभी मैं गाँव में सो जाएगा तब भी मेरे गाँव की बात तो अलग है, वहां का ऐसा जीवन है वैसा जीवन है, माफ कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रात्रि में जो भोजन है जैन धर्म में उसको हिंसा के साथ जोड़ा गया कि साथ सूरज डूबने के बाद अगर आपने भोजन किया तो वो आपके साथ हिंसा है, तो हिंसा उसके साथ नहीं जोड़ा गया कि आप किसी कीड़े मकोड़े को गलती से आपने अंधेरे में खा लिया, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी, उससे नहीं जोड़ा गया। वो हिंसा को जोड़ा गया आपके शरीर के साथ जो आपने की, जो आपका शरीर सूरज डूबने के बाद सारी देर डूबने के बाद आराम करना चाहता था, जो प्रकृति के अनुसार उसको सारी क्रियाओं को आराम मिलना चाहिए था, आपने उसको एक और काम पकड़ा दिया, क्या भोजन पचाने का। 7 बजे के बाद हमारा शरीर आराम करना चाहता है सूरज डूबने के बाद, लेकिन आपने उसको काम पकड़ा दिया कि लो भोजन पचाओ। अब ना तो आपको ढंग से नींद आएगी, ना वो भोजन ढंग से पचेगा, ना आपके शरीर को लगेगा, कुछ सड़ेगा और भी कई सेहत पैदा करेगा। तो आप लोग आज देखिए मोटापा, डायबिटीज, हृदयघात, हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां, इस सब में हम फंसते ही जा रहे हैं। तो रात्रि का भोजन शादी के काल में लिखा ही होता है ऑफिशियली 8 बजे। अब आप 8 बजे का सोचकर जाएंगे वहां बैठेंगे तो आपको भोजन तो नहीं मिलेगा, आपको सबसे पहले स्टार्टर्स मिलेंगे। मैं आपकी भाषा आपसे बात करूंगा, मैं कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, तो आप इसीलिए मैं ये शब्द यूज करूंगा कि आपको स्टार्टर्स मिलेंगे। स्टार्टर्स में क्या, तली हुई पकौड़े, तले हुए फ्रेंच फ्राइज, कुछ कुछ कभी कुछ कभी पनीर कभी कुछ, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिलता रहेगा आपको। तो आपको जो रात्रि का भोजन है, अभी भोजन शुरू भी नहीं हुआ लेकिन भोजन से पहले का आपको वो देना शुरू कर दिया गया। आप उसे खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे या हम करेंगे ज्यादा खाएंगे, पेट भी भर लेंगे उससे, और रात में आपने वो भोजन अपने शरीर को काम दे दिया, अभी आपका शरीर भोजन पचाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दूसरी गलती जो हम करते हैं उसको मैं आप वाइस को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने शादी में बुलाएगा हमें बैठा कर तो भोजन कभी नहीं कराएगा, या तो हमें टेबल पर बैठ के खाना खाना पड़ेगा या खड़े होकर खाना पड़ेगा। क्यों, आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, साइंटिफिक बात आपको बताता हूँ। किसी की भी कमर में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको झुक झुक के खाना खिलाएंगे, सभी कमर में दर्द है, प्यार से गांव की तरह बैठ के जमाने का किसी का मन नहीं। क्यों, कौन झुके, कौन परोसे, कौन बिठाए, वो जो करते हैं प्लेट भी अपने आप ले लो, खाना भी अपने आप ले लो, बस नहीं चलता तो बर्तन भी खुद ही मांज लो, वो तो करते नहीं लेकिन मुझे लगता हो जाएगा। तो आप लोगों को खुद ही सब कुछ करना है, जो भाड़े के जो वेटर हैं उनके द्वारा आपको भोजन परोसा जाएगा, आप उस परिवार में जिन्होंने आपको बुलाया है वो अपने हाथ से प्लेट से या उस गाँव के लोग जो आपस में पहले मिलते खिलाते थे उनमें से कोई भी आपको नजर नहीं आएगा, वो तो खाना खिलाने के बाद वो आपसे नमस्ते करके सिर्फ आपको उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो जो आत्मीयता है, वो तो जो अपनापन है, अपनों को बुलाकर उनको अपने हाथ से भोजन खिलाने का वो चला गया। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन तरीके मानते हैं आप लोग, तो उसमें पहले आपको पेट भर के खाना है, आपको भूखे भी चले जाए कोई नहीं पूछे, बस ये मुझे खाना खा लिया, साइंस ही प्रूव कर चुका है कि अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बना रहे हैं
तो आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, इन सबको आप बढ़ावा दे रही थी, मतलब खुद स्वागत न्योता दे रही थी। क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खराब मेटल अगर कोई है खाना बनाने, रखने या स्टोर करने के लिए, तो वो एल्यूमिनियम ही है। पहला एल्यूमिनियम के काम जितने भी शादी में जितने भी बर्तन हैं जो बनाने वाले हैं, सब एल्यूमिनियम के ही होते हैं, सब के सब एल्यूमिनियम के होते हैं। तो आप उसमें अगर खाना खा रहे हैं तो इन बीमारी में फंसेंगे। तो हमारा दुर्भाग्य ये हो गया कि एल्यूमिनियम जो है हमारे देश में आया कब, ये एल्यूमिनियम हमारे देश में आया जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने सबसे पहला जो नोटिफिकेशन डाला एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करने का, वो डाला जेलों में जहां पे हमारे क्रांतिकारी बर्तन होते थे। तो उन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि ये लोग जल्दी से जल्दी मरे तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दो। और वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो रोड आज तक भी चल रहा है और जेलों में आज भी एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना मिलता है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि वो एल्यूमिनियम हम अपने घर में लेकर आ गए प्रेशर कुकर के रूप में। और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा नियम है कि आपके भोजन को अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं लगा तो वो भोजन सहज है, वो कभी नहीं करना। और कुकर एक ऐसी चीज है, प्रेशर कुकर, जिसका एल्यूमिनियम तो खराब है ही, लेकिन उसके बंद होने के बाद उसके अंदर कभी न सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श जा सकता है। तो आप सभी लोग उसमें अगर खाना बना रहे हैं तो जहर ही खा रहे हैं। और उसी कारण आप देखिए जितने भी टीबी, सांस के मरीज, सब के सब जो है वो ज्यादा गरीब घर के लोग होते हैं, क्योंकि कुकर के अलावा बाकी बर्तन के उनके एल्यूमिनियम के ज्यादा होते हैं। और आप ये सारी बीमारी जितने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें भी आती जा रही है। तो इसी कारण सब प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी खाना बनाने में सबको लाना चाहिए। और जितने भी माताएं बहने या बैठी हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि हम आपके लिए मिट्टी के हांडी और तवे हम इसीलिए लेकर आए कि आप सब लोग देखें कि हम जैसे लोग आज दिल्ली में रहकर भी मिट्टी की हांडी में और मिट्टी के तवे में खाना बनाकर स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। तो आप सब लोग कुकर से बोलेंगे वो तो संभव नहीं, क्यों कोई बनाए मिट्टी के बर्तनों में देर लगेगी, गैस को चढ़ेगा क्या, गैस पे बनेगा क्या, टूट जाएगा, तो ना आपको पता होगा। लेकिन मिट्टी के बर्तन का अगर आप खाना बनाते हैं तो आप तो कभी भी जो विटामिन, आयरन, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं आप, वो तो कभी भी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में हांडी में खाना बनाने से सारे के सारे पोषक तत्व तो आपको मिलते हैं, कोई भी कम नहीं रहता। तो आप कहेंगे खाना तो जल्दी बनता है उसमें, तो खाना जल्दी बनता है तो आप मुझे बताइए जो कुकर है उसमें आप जब प्रेशर से खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, मान लीजिए दाल को आपने प्रेशर से उबाल दिया, वो सॉफ्ट हो गई, आपने मिर्च मसाला लगा कर खा ली, क्या आपको स्वाद आता है उसमें? और जिन लोगों ने गांव में हांडी में दाल खाई है, मैं उनसे पूछता हूँ आपको उस स्वाद का, उस स्वाद के अंदर फर्क महसूस होता है या नहीं? क्या आप में से बहुत सारे लोग गाँव जाकर तरसते हैं कि गाँव की दाल, हांडी की दाल खाने को? और मैं जब जिस कंपनी में काम करता था, हमारे क्लाइंट्स को बस मिश्री भारतीय खाना खाना चाहते थे, तो मौर्य शहर में एक बुखारा रेस्टोरेंट है, उस बुखारा रेस्टोरेंट में बुखारा की दाल बहुत और फेमस है, 400-500 रुपए की वो दाल मिलती है कटोरी, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो राजीव भाई को सुनने के बाद पता लगा कि वो हांडी की दाल होगी, मिट्टी की हांडी वो बनाते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करते हैं खाने के लिए, लेकिन इतनी समझदारी उनकी दिखाते हैं कि घर में ही वो मिट्टी की हांडी ले आए। क्योंकि उसके लिए कुछ भ्रांतियां हैं हमारे मन में, कुछ गलत फहमियां हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उन्हीं के हाथ में कोई घर की रसोई होती है, और जो रसोई है दुनिया की सबसे बड़ी केमिस्ट शॉप है, बाहर की किसी जो संसारी की दुकान है वो सेकेंड नंबर पर आती है। मैं केमिस्ट की शॉप का तो नंबर मानता है ही नहीं कहीं, तो सबसे बड़ी केमिस्ट शॉप आपकी रसोई है, वो आपके हाथों में होती है। घर के पुरुष जो आप बना के दे देंगे वो खा लेंगे, उनको कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपकी आपका मान रखने के लिए बिना शिकायत करे खा भी लेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ज्यादातर, मैंने श्रीमती गोपी जी से मैंने यही बोला था कि ज्यादातर मालाएं लेने आए तो हमारी इस शोरी की जो भी परिचर्चा इसकी सफलता होगी, तो आपको बस एक बात बताना देना चाहता हूँ कि वो जो उखली हुई दाल आप खा रहे हो जिसमें स्वाद नहीं है, उसकी जगह आप मिट्टी की हांडी की दाल खाइए जो पकी हुई होगी। उबला होना और पके होने पर डिफरेंस है, तो आप पकी हुई दाल
तो उसमें सारे पोषक तत्व तो आपको मिलेंगे। तो वे पोषक तत्व तो मिलने में क्या करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले बोलेंगे जिसमें जो तो टाइम बहुत लगेगा उसमें सिलेंडर बहुत खर्च होगा, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, क्यों हो गया। तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं कि जब आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाएंगे, खाना बनाएंगे, राजमा उबालेंगे, आलू उबालेंगे, कुछ भी उबालेंगे, तो आपके घर में स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपके पति की उम्र लंबी होगी, आपके बच्चों की उम्र लंबी होगी, क्योंकि सिर्फ करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होगी। और तेरह के समय जो हमने वचन दिया कि अपने पति के बीमारियों को मैं धारण करूंगी, वो वचन भी नहीं सबके साबित होगा जब आप केवल अपने भोजन से आराम के लिए कि मुझे जल्दी खाना बनाना है या मुझे देर हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, उसके लिए आप कुछ भी आप घुटकर खिला दें प्रेशर कुकर में, तो मुझे लगता है कि उस वचन को परिपूर्ण होने की तरफ अग्रसर आप नहीं होंगे। तो आपको आदत में आना पड़ेगा अपने करियर को, सबको अगर आप ज्यादा महत्व देते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन आपके घर में अगर आप लोग बीमार हो जाते हैं तो कभी भी जितने सिलेंडर बांटो लगते हैं, मान लीजिए आपके साथ में 12 सिलेंडर लगते हैं, उदाहरण 12 छोड़िए 15 लगते हैं, आपने हांडी में दाल बनाई जो थोड़ी देर में लगती है या कोई भी सब्जी बनाई, साल में आपके 20 सिलेंडर लगते हैं, 5000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो आप मुझे बताइए साल में खर्च होने वाली बीमारी में जो पैसा है उससे तो बहुत कम है। आप दो दिन सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगा लीजिए, आपके 5000 रुपए कहाँ चले जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कभी भी कैलकुलेशन ये मत करिए कि ये इतना सिलेंडर महंगा, तो क्योंकि आपको मुझे पता है जल्दी खाना बनाने का ज्यादातर आवर सिर्फ नाटक का छूट जाए उसके भी होता है। इसी तरह जल्दी खाना बनाए नाटक ना छूटे, क्योंकि आप जो समय बचाएंगे वो नाटकों में खर्च करेंगे, तो आप नाटकों में खर्च करेंगे लेकिन बाद में वही समय जो बीमारियों में आप खर्च करने वाले हैं, बीमारी डॉक्टर के चक्कर लगाने में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में, तो मतलब वही तो अभी शून्य में शून्य पहुंचने वाला है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि जो प्रेशर कुकर है वो अपने घर से निकालिए, एल्यूमिनियम का बर्तन जो है वो बहुत खतरनाक है, तो आप शादी में जो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बन रहा है वो भी बहुत खतरनाक है, तो आप सभी लोग उसकी वजह से वो खाना खाने से परहेज करिए, क्योंकि सारा का सारा उसी में बना है। अब उससे अगला आता है कि आपको स्टेटस सिंबल के नाम पे सारा जो भोजन है वो रिफाइंड ऑयल बनता है। अब आप बोले रिफाइंड से तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर हार्टी प्रॉब्लम है तो मरीज आपके वहां पहुंच जाए तो वो आपको ये समझ जाती है आप रिफाइंड तेल खाओ, ब्रांड का नाम लेकर बोलेगा सफोला का खाओ, फॉर्चून का खाओ, इसका खाओ, उसका खाओ, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप सरसों का तेल, कच्ची खानी का तेल खाओ, कभी नहीं बोलेगा। क्यों? तो उससे आप ठीक हो जाएंगे तो उनकी दवाइयां नहीं मिलेंगी, और जिन जो कंपनियां तेल की कंपनियां को दे रही हैं कमीशन उनके ब्रांड का तेल बेचने के लिए वो आपको कमीशन नहीं देंगी। तो सिंपल सिंपल मैं आपको अगर लैंग्वेज में बताऊं तो आपको जो रिफाइंड तेल है वो बहुत खतरनाक है। रिफाइंड तेल करने का भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे देश में आपको सिंपल तौर पर बताऊं कि जो रिफाइंड एक बार तेल गर्म हो जाता है, गांव में अगर खाना बनता था तो उसमें एक बार तेल गर्म होने के बाद दोबारा उसको प्रयोग नहीं करते। जब भट्टी में राजस्थान का हूँ और मेरे गांव में जब सवामणी होती थी या कुछ भी होता था तो भट्टियाँ बनाई जाती थी, भट्टी के ऊपर कढ़ाई चढ़ाई जाती थी, उसमें तेल में जो भी बनाया जाता था उसके बाद दोबारा उसको गर्म नहीं किया जाता था, क्योंकि वो घरे कहलाता था, वो जहर बन गया, वो दोबारा प्रयोग करने लायक नहीं। लेकिन आज बदमाशी ये हो रही है कि शादी में खासकर कि जब सीजन होता है, सीजन में पिछली जो दिन की शादी है उसका तेल आपको तो बोल रही है नया हम शीश के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक तो रिफाइंड तेल खतरनाक, ऊपर से ऊपर रिफाइंड तेल पिछली शादी का गर्म किया हो उसको दोबारा प्रयोग करते हैं आपसे छुप कर, आपसे छुप बोल कर, और आप जो खाना खा रहे हैं तो आप हार्ट की प्रॉब्लम्स की तरफ भी बढ़ने वाली हो, आपको जल्दी बीमारियां होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो तेल है वो इतना खतरनाक है। और इसका जो बनने का प्रोसेस है जब आपको वो पता लगेगा तो आप देखेंगे कि आपको या आपको घर से ये फेंकना पड़ेगा, इतना खतरनाक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप जब शादी में होता क्या है कि आप तरह तरह के भोजन होते हैं, तरह तरह के भोजन, उस भोजन में क्या होगा, उस भोजन में आपके ठंडा भी खाना होगा, बहुत ठंडा खाना भी होगा, बहुत गर्म खाना भी होगा, सूप भी होगा,
आइसक्रीम भी होगी, कॉफी भी होगी, तो आपके अलग अलग तापमान पर जो खाना है आप ये सब खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत गड़बड़ होने वाली है। मैंने बहुत समझदार लोग देखे कि वो गर्म कॉफी में ठंडी आइसक्रीम डाल देते हैं, जब कॉफी के बाद आइसक्रीम खाएंगे या गुलाब जामुन, गर्म गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के खाएंगे, टेस्ट है, टेस्ट का देखना है आपको, पेट का देखना है, लेकिन वो नहीं मानते। मुझे नहीं पता कहाँ से वो सीखे हैं, लेकिन इतने गर्म इतना ठंडा खाना जब आप साथ में खाएंगे तो आपको पेट में जो दर्द होगा वो ऐसा होगा कि ठंडे को गर्म करें या गर्म को ठंडा करें। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये सब खाने पीने के बाद शादी खाने के बाद उल्टी कर करते हुए उनको गर्मी होती है, उनका काबू नहीं अपने पेट पर खाने में, उसके बाद उसको निकालना है। तो ऐसा हमारे यहाँ पर खाना हो गया, ऐसा हमारे आतिथ्य हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हम मृत भोजन खाते हैं बहुत सारे। मृत भोजन से उत्कृष्ट क्या है, सबसे बड़ा दाल और दही। आप सब जो माता रहने जाते हैं मुझे पता है, मैंने देखा है दही बड़ा बहुत खुश होकर खाते हैं। तो उड़द की दाल का बड़ा होता है और दही दुनिया का सबसे खतरनाक है। आपका ब्लड प्रेशर ना हो तो बढ़ जाए, और ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर का परमानेंट मरीज बनाते हैं, इतना खतरनाक होता है। दाल और दही, उसमें भी उड़द की दाल और दही, तो कभी भी गलती से ना खाएं। तो ये आपका मृत भोजन हो गया। इसके बाद आप जो खाते हैं वो क्या, वो खाते हैं आप आपस में वो मृत भोजन क्या क्या हो गया, मिक्स करके बहुत सारी चीजें आप खाते हैं। जैसे जैसे आपने खाना शुरू किया, आपने मिक्स फ्रूट सलाद खाया, तो आयुर्वेद का नियम है कि कभी भी एक से ज्यादा फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। लेकिन आप सात आठ फल वहां रखे होते हैं, तरबूज भी रखा हुआ, सेब भी रखा हुआ, पपीता भी रखा हुआ, सब एक साथ रख के सबको एक दो दो पीस करके आप एक साथ खाते हैं, उन सब की तासीर अलग अलग, उन सब का पचने का टाइम अलग अलग, आप सबको मिलाकर खाएंगे तो आपके शरीर भयंकर रूप से रोगी बनने ही वाला है। उसके बाद आप खाना खाना शुरू करते हैं तो आप खाते हैं मिक्स सलाद, तरह तरह की सलाद, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, पता नहीं क्या आपको ऐसे से सलाद क्या नहीं भी सलाद आ गया, क्या क्या आ गया, वो सब आप बना के सलाद के रूप में खाते हैं तो वो आपको कभी बर्बाद नहीं करने वाला, तो वो गलती से भी नहीं खाना। तो उसके बाद आप खाते हैं मिक्स दाल, घरों में भी बनाते हैं, बाहर जब खाने के लिए घर में जाते हैं तो वहां पर भी दाल मखनी के नाम पर मिक्स दाल आप खाते हैं। तो आप सभी तो देखिएगा जब आप मिक्स दाल खाते हैं तो सभी दाल, खासकर उड़द की दाल के साथ अगर कोई भी दाल खा रहे हैं तो सत्यानाश ही होगा। तो वो इतनी खतरनाक एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपको धीरे धीरे हार्ट अटैक की तरफ पहुंचा दे। आपको 20-25 साल बाद पता लगेगा कि इस मृत भोजन जो आप लेते आए हैं उसे इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपका। तो आप ये मिक्स दाल को कभी ना खाएं। उसके बाद हम बड़े शौक से बनाते हैं, खासकर भंडारों में मैंने देखा है मिक्स सब्जी, मिक्स वेजिटेबल, तरह तरह की सब्जियां आप मिलाकर, कोई अपनी सब्जी का दाम दे रहा है, कोई अपनी सब्जी का दाम दे रहा है वो भंडार, लेकिन हम जहरी खा रहे हैं। मैं आपको किसी के भावनाओं को बीच नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये सत्य है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्वाद को महत्व पर रखा, हमने और किसी चीज को महत्व पर नहीं रखा। हमारा मकसद सिर्फ दूसरे का पेट भरना है, कैसे वो नहीं मतलब। तो इसलिए हमने जो जो चीज खतरनाक कर दी कि हमने जो भी खाना बनाया वो सारा का सारा आयोडीन युक्त नमक, रिफाइंड नमक में बनाया है। तो आप कहेंगे आयोडीन युक्त नमक, ये तो सरकार भी बोलती है, ये तो हमारे किताबों में भी था, ये तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये आयोडीन युक्त नमक है या जो रिफाइंड नमक है, यह सबसे बड़ी जड़ है आपके थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनकम। तो आप ऐसी कई सारी चीजें कर रहे हैं, 5, 6, 10, 12 जो एक साथ एक ही बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज ऐसा हाल हो रहा है कि 20-20 साल के बच्चों को बाईपास कराना पड़ रहा है।